morning, everybody. वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन लवर तनुश्री। और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग कि आज का जो डे है, आज संडे है, आज मैं कैसे स्पेन करूँगी आज का होल डे, वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस। फ्रेश हो गई हूँ, अभी मैं लेने वाली हूँ टी। टी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मेरी सुबह शुरुआत, मतलब दिन की शुरुआत ही नहीं होती है जिसके बिना। तो अब मैं लेने वाली हूँ एक गर्मा गर्म टी, और टी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उसके पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है, आज संडे है, मैं थोड़ा सा लेट राइजर हूँ और संडे को तो और भी थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। तो अभी लेट्स गाइस, लेट्स हैव अ टी। सो अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की बात। यूजुअली हर रोज़ जो मैं करती हूँ, मैं एक्चुअली कॉर्नफ्लेक्स लेना पसंद करती हूँ, हर रोज़ ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स ही लेती हूँ, लेकिन आज संडे है तो आज सारी डाइट सब कुछ ब्रेक करने का दिन है मेरे लिए। और आज तेरा ऑयली फूड हो ही जाता है क्योंकि मैं दिल से बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ। जितनी बार कोशिश करती हूँ नहीं खाऊँगी नहीं खाऊँगी, फिर भी कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, तो इसलिए आज भी थोड़ा सा वो करने वाली हूँ मैं। और आज मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी, आज हमारे घर में चिकन बनने वाली है, मेरी मम्मी के हाथ का औसम बनता है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और भी बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी हेयर केयर रूटीन। आज संडे है तो आज मैं हेयर ब्रश करने वाली हूँ, और हेयर ब्रश करने की पहले मैं लगाने वाली हूँ एक हेयर मास्क। सो चलिए गाइस, देख लेते हेयर मास्क में मैं क्या क्या डालने वाली हूँ। मैं यहाँ पे खा रही हूँ रोटी और सब्ज़ी, उसके साथ साथ एक स्वीट भी है जिसे बंगाली में हम लोग कहते हैं गजा। আর আমি এখানে খাচ্ছি পেঁয়াজ কলি তরকারি দিয়ে রুটি। সো ইয়া, পেঁয়াজ কলি কো হিন্দি মে ক্যা বলতে মুঝে অভি ইয়াদ নেই হ্যায়, ইসলিয়ে আমি সরি। সুবহ সবজি কে সাথ রুটি খা রহি হু অর উসকে সাথ সাথ গজা ভি খা রহি হু। नाउ टाइम फॉर हेयर मास्क। और यहाँ पे हेयर मास्क के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा रेगुलर जो ऑयल है वो, मैं यहाँ पे जॉनसन रेबी का ऑयल यूज़ कर रही हूँ और एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है। आपको पार्ट्स पर्स करके इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और फिंगर की हेल्प से अच्छे से मैसेज भी कर लूँगी ताकि ये जो ऑयल है मेरी हेयर पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे अप्लाई करने के बाद आप लोग 1 to 1.5 hours अपनी हेयर पे छोड़ दीजिए। 2 hours अगर छोड़ पाए तो अभी ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद आप अपनी फेवरेट शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। संडे के दिन ही हेयर मास्क, फेस मास्क सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है मुझे क्योंकि और दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो मैं ये फेस मास्क भी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जॉय का केसर चंदन फेस पैक। ये बहुत ही अच्छा एक फेस पैक है और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसका टेक्स्चर, एकदम क्रीमी टेक्स्चर, रेडी टू यूज़ आते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। उसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, 60 या 65 होगा, यहाँ पर शायद आपको 100 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा एक फेस पैक है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक रिव्यू भी बनाए थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा मैसेज करना होता है, जैसा कि मैं मैंने अपने हेयर और फेस को वॉश कर लिया है हेयर मास्क और फेस मास्क अप्लाई करने के बाद, और मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लिया है और हेयर को मैंने बस वॉश किया है। और अब मैं धूप में खड़ी हूँ, विंटर से मैं धूप में खड़ी होने का मज़ा ही कुछ और है ना फ्रेंड्स। मैं धूप में खड़ी हूँ, मेरे बालों को थोड़ा सा ड्राई करना चाहती हूँ एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरम अप्लाई करूँगी। सो या अब चलिए मैं आप लोगों से कुछ और बात करती हूँ। आज इस व्लॉग का जो सबसे मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ शाम को यानी कि इवनिंग को शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक फेयर होता है, हमारे घर से 15 मिनट्स की दूरी पे वो होता है, उसका नाम है सुभाष मेला। फेयर को एक्चुअली बंगाली में मेला कहा जाता है, मेला, तो सुभाष मेला। एंड मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ये जो सुभाष मेला है ये एक्चुअली
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। ये स्टार्ट होता है 23 जनवरी जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे, और ये चलता है 1 महीने तक और ख़त्म होगा 23 फेफ को। तो या उस महीने पे हम जाने वाले हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, कपड़े, ज्वेलरीज, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ऑब्वियसली, गिफ्ट वगैरह, हैंडमेड चीज़ें, क्राफ्टिंग चीज़ें, बहुत सारी शूज़, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा और ह्यूज एक फेयर होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगी नहीं, आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस। So guys, we are just ready to go. Let's go. So guys, we are going. गाइस वी आर बैक एंड हमने ऑलरेडी डिनर भी कर लिया है, अभी बहुत रात भी हो चुकी है, 11:30 बज गए हैं और हम घर लौटे थे 9:15 बजे, उसके बाद हमने डिनर कर लिया। सो या अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ, और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर आप लोग एक थम्स अप देना और शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल ना। और अगर आप लोगों को ऐसी ब्लॉग्स अच्छी लगते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं और भी आगे बनाने के बारे में सोचूंगी। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।